मोदी सरकार के एक मंत्री सवालों के घेरे में है। मोदी सरकार में राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर बेहद संगीन आरोप लगा है और आरोप है रेप का। हालांकि मामला पुराना है, लेकिन हाल ही में कोर्ट के नोटिस के बाद निहाल चंद मेघवाल को मंत्री परिषद से हटाने की मांग तेज होती जा रही है। मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री निहाल चंद पर बलात्कार का आरोप लगा है। मुद्दा मिलते ही कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर पहुंच गईं। जोरदार प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी भी की और निहाल चंद का पुतला भी फूंका। निहाल चंद को कोर्ट ने नोटिस भेजा है, जिसका जवाब उन्हें 20 अगस्त तक देना है। कांग्रेस की महिला मोर्चा ने निहाल चंद के इस्तीफे की मांग की तो पीड़ित महिला ने नौकरी का लालच और धमकियां मिलने का आरोप लगाया। निहाल चंद का इस्तीफा हो, जब एक और मोदी इस देश की महिलाओं से वादा करते हैं सुरक्षा का और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो महिला अत्याचार को लेके, और दूसरी ओर उनके मंत्री जिनका नाम जिनको कोर्ट तलब करता है बलात्कार के केस में वो मंत्री बने रहते हैं, तो ये मुट्ठी खोलती है या असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी सरकार का जनता के सामने लगा। जिस तरह गांव में दबाव आ रहा है कि लड़की को नौकरी लगा देंगे, हमारा नाम निकाल दो, तो उस प्रकार से वो कुछ भी कर सकते हैं। इस मामले को दबाने के लिए मुझे या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए हम लोगों को सुरक्षा दी जाए। दिल्ली में निहाल चंद मेघवाल का विरोध हो रहा है, लेकिन निहाल चंद अपने संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। आरोपों को खारिज करते हुए निहाल चंद ने इस्तीफे से इंकार किया। क्या कोई इस्तीफा देने वाले हो क्या? क्यों, मैं क्यों दूंगा? नो कमेंट्स। उधर मौका मिलते ही कांग्रेस के नेता मोदी के विरोध में उतर आए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने इसी बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इसको जीरो टॉलरेंस कहते हो क्या? झूठ झूठ झूठ, इसके सिवाय मुंह खोले तो उनको कवा काटना चाहिए। वही बताएं कि उनके यहाँ जीरो टॉलरेंस हो तो निहाल चंद मेघवाल को क्यों वो अपने मंत्रिसभा में शामिल कर रख रहे हैं। निहाल चंद मेघवाल केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं। निहाल चंद राजस्थान से आते हैं और वहाँ से इकलौते मंत्री हैं। अब सवाल है कि क्या निहाल चंद वाकई गुनहगार हैं या निहाल चंद को फंसाया जा रहा है? निहाल चंद पर लगे आरोपों का सच क्या है? दरअसल निहाल चंद के इर्द गिर्द ये केस पिछले 4 साल से घूम रहा है। पीड़िता ने अपने पति और निहाल चंद समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2011 में केस दर्ज हुआ। पुलिस जांच में पीड़िता के लगाए आरोपों को आधारहीन माना गया। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद पीड़िता ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। इसी याचिका के बाद जयपुर कोर्ट ने निहाल चंद समेत बाकी आरोपियों को नोटिस भेज दिया। जयपुर की कोर्ट में निहाल चंद समेत सभी आरोपियों को 20 अगस्त को पेश होना है। ऐसे में तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं। एक महिला उनके मंत्री पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगा रही है, लालच और धमकी की भी बात कह रही है। देखना ये होगा कि मोदी सरकार इस मामले से कैसे निपटती है। जयपुर से इंडिया टीवी के लिए संगीता प्रणवेंद्र की रिपोर्ट।